नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो, जिसका इलेक्शन स्पेशल चल रहा है। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी सियासी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस की संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मोदी और भाजपा प्रतीकों में माहिर हैं। आज नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों में चार लोग थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक वैज्ञानिक डोम राजा जगदीश चौधरी और महामना मदन मोहन मालवीय के परिवार से संबंधित अन्नपूर्णा शुक्ला। दिन भर टीवी पर मोदी के नामांकन के विजुअल छाए रहे। बताया गया कि उन्होंने काल भैरव मंदिर में दर्शन किया और उसके बाद नामांकन दाखिल किया। नरेंद्र मोदी से जुड़ी अभी एक और खबर बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी मौसम में एक और इंटरव्यू आया। इस बार मोदी ने इंटरव्यू दिया टीवी चैनल आज तक को। देखिए उसकी एक झलक आप भी। जम्मू कश्मीर एक ऐसा सवाल है जो थोड़ा चुभता है, इसलिए क्योंकि आपने जब शुरुआत की तो जो वाजपेयी फॉर्मूला था, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, आपने उसे भी कोशिश की, बेमेल जोड़ी थी, लेकिन पीडीपी के साथ वो जोड़ी भी बनाई, नहीं चली। क्या आपको 5 साल केंद्र में रहने के बाद अब समझ आ रहा है कि कश्मीर की तरफ बेस्ट अप्रोच क्या है? हमें पहले से समझ है, 5 साल शासन में रहने की जरूरत नहीं थी जी। मैं वहाँ संगठन का काम करता था, वहाँ के हर डिस्ट्रिक्ट में कभी मैं दौरा करने वाला इंसान था, तो मैं बारीकियों को जानता हूँ। एक मुट्ठी भर परिवारों ने जम्मू कश्मीर को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का रास्ता चुना हुआ है। मुफ्ती साहब थे, हमें आशा थी शायद हम उसमें से बाहर आएंगे, लेकिन वो हमारी महामिलावट थी, तेल और पानी का मिलन था, और वो हमने कह करके किया था कि भाई हम दोनों अलग अलग ध्रुव के हैं, हमारा कोई मेल नहीं बैठेगा, लेकिन जनता ने ऐसा वर्डिक्ट दे दिया है कि हमें साथ चले बिना कोई चारा नहीं है, और इसलिए हम उसके बिना रह नहीं सकते। किया काम, खैर लोकतंत्र का तकाजा आया, हमने छोड़ भी दिया। हमने कहा भाई चुनाव करवाएंगे, पंचायत के लोगों को हक मिलना चाहिए, हमने किया। अटल जी की फॉर्मूला ही काम आने वाली है। अच्छा, इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत, ये पिछले 10-20 साल से सियासी जमीन पर चमकीली रूपहली पहचान रखने वालों की खूब बल्ले बल्ले हो रही है। अब बारी है दलेर मेहंदी की। दलेर मेहंदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। रिश्तेदारियों के हिसाब से बताऊं तो दलेर मेहंदी और हंसराज हंस, जो कुछ रोज पहले भाजपा में आए और दिल्ली की एक सीट से प्रत्याशी हो गए, दोनों समधी रखते हैं। खबर है कि दूसरे समधी को पंजाब की किसी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। न्याय पर भरोसा दिलाने वाली एक खबर आई सूरत से। सूरत के सेशंस कोर्ट ने दो बहनों के बलात्कार के मामले में कथित धर्मगुरु नारायण साईं को दोषी करार दिया है। नारायण साईं के बाप बलात्कारी आसाराम को पहले ही इस मामले में दोषी करार दिया गया था। 30 अप्रैल को जज साहब फैसला सुनाएंगे कि बलात्कारी नारायण साईं को कितनी सजा होगी। सियासी खबरों में आखिरी बात फिर बनारस से। कल ही ऐलान हुआ प्रियंका गांधी बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी। चुनाव लड़ेंगे पिछली बार जमानत जब्त करवा चुके अजय राय, और आज बयान आने लगे। नरेंद्र मोदी के दोस्त, नरेंद्र मोदी के गुरु रामदेव बोले कि डर गई है प्रियंका गांधी, मोदी के डर से चुनाव मैदान में नहीं उतारा। कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला सैम पित्रोदा ने, जो टेलीकॉम क्रांति के जनक बताए जाते हैं और गांधी परिवार के खासे करीबी। कहा कार्यकर्ताओं का तो बहुत दबाव था, लेकिन आखिरी फैसला खुद प्रियंका गांधी ने लिया। प्रियंका गांधी को लगा कि संगठन की बहुत जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में सिर्फ बनारस तक सीमित रहना पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। आपने दो बयान सुन लिए, बाकी आप खुद समझदार हैं, खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसने किसके लिए कितने मैदान छोड़े और कितनी मुश्किलें खड़ी की। सियासी खबरें हो गई, अब बारी है लल्लन टॉप के जियालों की भेजी गई चुनावी रपटें देखने की। चुनावी रपटों से पहले जान लीजिए लल्लन टॉप की 6 टीमें कहां कहां पहुंची। टीम हीरा है राजस्थान के जोधपुर में, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कठिन चुनावी लड़ाई में फंसे हुए हैं। टीम मोती है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। टीम गंगा है उत्तर प्रदेश के बहराइच इलाके में, जहां की भाजपा सांसद बागी हो गई, प्रियंका की साथी बन गई सावित्री बाई फुले।
टीम जमुना है उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी के किनारे, जहां से आज का लल्लन टॉप शो हो रहा है। टीम सुल्तान पहुंच गई है पश्चिम बंगाल के आसनसोल इलाके में, जहां पर बाबुल सुप्रियो को टीएमसी के सिंबल पर चुनौती दे रही हैं मुनमुन सेन। और बिहार में टीम तूफान पहुंच गई है उजियारपुर के इलाके में, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय को चुनौती दे रहे हैं कभी भाजपा के गुइया बज्जू रहे आरएलएसपी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा। एक तो थी सनीमा वाली दीवार, देख के पब्लिक बहुत खुश हुई, टैटू वैटू गुदवाने लगी। कोई कहता मेरा बाप चोर है, कोई कहता मेरा बाप विधायक है, सबकी अपनी अपनी भ्रांतियां और अपने अपने विश्वास। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश के दमोह इलाके में पहुंचे तो हमें एक अंधविश्वास नजर आया जिसने वैज्ञानिकतावादी सोच को ठेंगा दिखाया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि दमोह के सांसद प्रहलाद पटेल ने एक अंधविश्वास से बचने के लिए जनता के 20 लाख रुपए फूंक दिए। मामला क्या है? मामला है कि एक जगह की परछाई बावली पर पड़ती है और इसकी वजह से विकास कार्य रुका हुआ है, और उस परछाई को रोकने के लिए बना दी गई दीवार। अब आप ट्रंप की दीवार भूल जाइए, इस दीवार का इल्जाम सुनिए। वास्तु दोष पड़ रहा है, मंदिर के कलश की छाया एक यहाँ कुंडे उस पर पड़ रही, इसलिए यहाँ अशुभ है, विकास रुका है। तो सांसद जी ने उसके बोलने पर ये दीवार खड़ी करवा दी। दिखा दें, आदर्श ग्राम योजना में 17 लाख कुछ रुपए की ये दीवार वास्तुवाल खड़ी कर दी है। वास्तुवाल इसका नाम है, मतलब ऐसा उनने माना कि वास्तु दोष होता है। इस युग में भी 21वीं सदी में देश जा रहा है, और वो वास्तु दोष को मान के उनने ये 17-20 लाख की दीवार खड़ी करवा दी, और ना इसको पुतवाया, ना इसमें इनने अंदर कहा था हम बावड़ी में अंदर फब्बारे लगवाएंगे, डेंटिंग पेंटिंग करवाएंगे। मतलब क्या वास्तु दोष था, क्या मतलब? ये उनने ज्योतिषाचार कोई बुलवाया था, वो फ्लाइट लाइट से जबलपुर से बांधकपुर आया, और उसने एक कांच रखा शीशा, और उसने कहा इस शीशा पे ये कलश का जो मुख्य कलश है मंदिर का, उसकी छाया बावड़ी के पानी पर पड़ रही है। तो उसके इतने कहने पर सांसद जी ने कहा क्या किया, उसने कहा कि यहाँ दीवार खड़ी करवा दूँ। तो सांसद जी ने उसके कहने पर ये पैसे बर्बाद करवा दिए, 20 लाख रुपए दीवार खड़ी करवा दी, और वो यहाँ से फिर वो वास्तु साथी चला गया। तो मतलब ऐसा पैसे का दुरुपयोग हुआ है, 20 लाख रुपए में 20 दुकानें भी बन सकती थी 1-1 लाख रुपए की, और वो अपन को वापस पगड़ी के रूप में मिल भी सकती थी दुकानदारों से। लेकिन उनने ये ऐसे उल्टे सीधे काम किए हैं, अपने मन से, जनता की कभी सुनते नहीं, अपने मन के अनुसार उनने काम किए हैं। मंदिर की परछाई के बाद अब बारी है बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव की। मानचित्र पर ये गांव खोजें तो याद रखें, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर यहीं पैदा हुए थे, और इत्तेफाक से जिस रोज हम सिमरिया गांव पहुंचे उस दिन दिनकर की पुण्यतिथि थी। हमें लगा गांव वाले कविता पर बात करेंगे, राष्ट्र पर बात करेंगे, कर्तव्य पर बात करेंगे, पर गांव वालों ने बात की तर्कों पर, कुतर्कों पर, और बात की कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह पर। मजेदार बात यह रही कि नौजवान साथ थे गिरिराज सिंह के, और गांव के बुजुर्ग दम भर रहे थे कन्हैया कुमार के नाम पर। देखिए उनकी जबानी मुठभेड़ का ये नजारा। जब कन्हैया कुमार यहाँ आए तो 5 लोग मोटरसाइकिल पे गए और उनका विरोध किया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, विरोध नहीं, कुछ भी नहीं। वंदे मातरम का नारा लगाए थे। नहीं, हम लोग अतिथि देवो भव, वंदे मातरम भारत, यह मेरा भारत है, हम भारत तेरी जिंदाबाद, भारत को जिंदाबाद क्यों नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ, और हम जिस विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी से अगर संबंध रखते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों नहीं प्रचार करेंगे? आपकी रैलियां निकलती हमको तकलीफ नहीं होती है, आपका गांव में डपली बजा के जाता है हमको तकलीफ नहीं होती, अगर हमारे 10 लड़के गांव में निकल के झंडा लगे उसमें क्या तकलीफ है? किसको तकलीफ हुआ आपके गांव? मतलब विपक्षी पार्टी को जैसे हो रहा है, जैसे कुछ आदमी बोल रही है गलत किया, क्यों हो रहा है ऐसा तकलीफ, हमको ये बताया जाए। सीपीआई वाले भी हैं आपके गांव में, वही है सीपीआई वाले, सब पूंजीपति लोग हैं। अच्छा, उससे क्यों तकलीफ है? जी, भाजपा वाले कुल गरीब है। क्या कह रहे हैं? यहाँ ये नया जो टूस जागा है ना, वो बखला गया है किस। हाँ हाँ हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, आप आए या कांग्रेस का कोई आदमी आया तो उसके सामने हम काला झंडा दिखा दें? गिरिराज सिंह का बुजुर्ग हैं, आपके गांव के बुजुर्ग हैं, आपके पास आएंगे, आप अपनी बात क्या लीजिएगा? गिरिराज सिंह आवे तो उनको हम मुर्दाबाद कह दें, ये शोभा देता है। वही बात है कि कन्हैया को निकला था अपना प्रचार में, ये 500 नवयुवक वंदे मातरम 5 गो मोटरसाइकिल पे, अरे तुमको देह में खून है, कन्हैया के पार्टी के देह में खून नहीं है। कभी आइंस्टाइन की थ्योरी को चुनौती देने की बारी आएगी तो कानपुर वालों को चुनिएगा, इनका काल समय स्थान अलग ही चलता है। कानपुर के चौचक लोगों की बदकही का रोज नजारा हमारी टीम
जमुना को मिल रहा है। यहाँ के लोगों ने खुफिया बात बताई कि सपा और कांग्रेस की दोस्ती क्यों नहीं चली। आप भी सुनिए ये राजनीतिक ज्ञान। एक बात बताइए, आप सपा, आप कांग्रेस, दोस्ती क्यों टूट गई? दोस्ती नहीं टूट, दोस्ती देखिए दोस्ती नहीं टूटी है, नहीं टूटी है। आपका यहाँ कैंडिडेट, इनका अपना कैंडिडेट, दोस्ती नहीं टूटी, मतलब लड़ते भी चलेगा, दोस्ती भी रहेगी। बस हम लोग का मेन मिशन है कि बीजेपी को हटाना है। अच्छा। बस मेरा मेन मिशन है बीजेपी। आप 17 में तो लड़े थे, कोई शीर्ष नेतृत्व में अपना दोनों लोगों का कुछ तय हुआ होगा, उसमें बीच में योगी जी आ गए भाई, उनकी एक साल उम्र से ज्यादा और उनकी एक साल की उम्र से कम, तो उस बीच में योगी जी आ गए, तभी से वहीं से गठबंधन इनका टूट गया। समझाइए, कई लोगों को नहीं समझ पाया। सीटों की जो स्वार्थ की राजनीति हुई थी उसमें गठबंधन हुआ, तो इसमें जो इन लोगों ने कैलकुलेशन लगाया था कि इतनी सीटें आएंगी, और वो सीटें इस गठबंधन को मिल नहीं पाई, जब सीटें कम आई तो वो गठबंधन टूट गया। कानपुर का जिक्र आता है तो तुरंत बता दिया जाता है जीके के सवाल की तरह कि साहब मैनचेस्टर हुआ करता था पूरब का, ये मिलती वो मिलती, इस वजह से बंद हो गई, उस वजह से बंद हो गई। इस सब रुदन के बीच कानपुर के एक नागरिक ने साफ साफ बात बताई कि कानपुर में मिलों का क्या हाल हुआ और आगे भविष्य क्या है। जो कॉटन इंडस्ट्री है वो पूरे देश से खत्म हुई है, कानपुर ही नहीं उसमें है, उसमें बम्बई भी है, उसमें अहमदाबाद भी है। वो एक कॉटन इंडस्ट्री इसलिए खत्म हुई है पूरे देश में कि ये जो सस्ते कपड़े आ गए, कॉटन बहुत महंगा है, और पुरानी पद्धति से वो कॉटन मिलें चल रही थी, उनका आधुनिकरण नहीं किया गया, तो उसमें कानपुर ही नहीं खाली है, अहमदाबाद भी बंद हुआ है, बम्बई भी बंद हुआ है, उसके साथ साथ कानपुर भी बंद हुआ है। तो अब उनको रिवाइवल का अब एक उसको बेईमानी है, मिलें खुलवाना की बात करना अब एक बेईमानी है, क्योंकि मिलें वो चल नहीं सकती है। नेता के यहाँ जो है सब झूठ फरेब करते हैं, असल में वो खुली नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उन्होंने कहा था कि हम कानपुर की मिलें चलवा देंगे, चली नहीं चली। इच्छा शक्ति सरकार की नहीं है, कानपुर की दो मिलें और एक जूता फैक्ट्री, ये चलाई जा सकती थी सिर्फ सिर्फ सरकारी सप्लाई से। लक्ष्मी रतन कॉटन मिल कैनवास बनाता था जो सेना को सप्लाई होता था, लाल इमली कंबल और गर्म कपड़े बनाते थे जो सिर्फ सेना को सप्लाई करके चलाई जा सकती थी, टेफको जूते की कंपनी थी जो सिर्फ डिफेंस को सप्लाई करके इसको चलाया जा सकता था। लेकिन देश में कमीशनखोरी का व्यापक असर है, क्योंकि इन मिलों से जो भी सामान जाता उसमें कमीशन नहीं मिलता। मिलों के मुद्दे पर कानपुर से भाजपा के प्रत्याशी सत्यदेव पचौरी, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी साफ गोई दिखाई और कुछ बेबाकी से उन्होंने मुस्लिमों के मुद्दे पर भी बात की। भाजपा के प्रत्याशी का ये रूप गिरिराज सिंह का इंटरव्यू करने के बाद हमें बहुत बदला हुआ नजर आया। मैं यहीं पढ़ा दीनदयाल विद्यालय में, बचपन पूरा यहीं गुजरा, तब भी सुनते थे नेताओं के मुंह से कि कानपुर मैनचेस्टर हुआ करता था, मिलें चालू हों। आज 20, 25, 30 बरस बीत गए, अभी भी चाहे भाजपा के नेता हैं चाहे कांग्रेस के नेता, रैलियों से यही बोलते हैं कि मिलें चालू हों। क्या ये व्यवहारिक है, शहर के अंदर मिलें चालू हों? क्या सरकारों की जिम्मेदारी अब मिलें चलाना है? इस पर एक आगे बढ़ के यूँ क्यों नहीं कहा जाता कि भाई अब मिलें नहीं चल सकती, कुछ और चलेगा? हम लोग बोलते नहीं हैं मिलें चलाना, इसमें फिजिबल नहीं, व्यवहारिक नहीं है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कानपुर को डिफेंस कॉरिडोर के लेके डिफेंस हब बनाने के काम प्रारंभ कर दिया। डिफेंस की नई फैक्ट्रीज लगेंगी, उनका उत्पादन होगा, भारत सरकार भी खरीदेगी और हम विदेश में भेजेंगे ताकि विदेशी मुद्रा मिलेगी। नए औद्योगिक स्वरूप देने के लिए हमने लेदर को एक जिला एक उत्पाद में चुना है, ताकि लेदर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर हम लेदर का निर्यात करें, लोगों को रोजगार दें, विदेशी मुद्रा कमाएं, क्योंकि लेदर का काम कानपुर का पुराना काम। लेदर में जो एक घोड़े की जीन्स बनती है, आपको बताएं, ऊँट की बनती है, वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं बनती, केवल कानपुर में बनती है। हम उसका विकास करेंगे, हम CFC बनाएंगे, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, यहाँ ट्रेनिंग भी होगी स्किल्ड लेबर के लिए, रॉ मटेरियल भी देंगे, वहाँ
पैकेजिंग की लिए भी वो होगी, टेस्टिंग लैब होगी, ये काम हमारी सरकार करने जा रही है। उधर जोधपुर से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। इल्जाम लग रहे हैं कि पापा सीएम हैं तो सपूत सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, और सपूत का क्या जवाब है? एक शिकायत आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स लगातार कर रहे हैं कि राजस्थान की पूरी स्टेट मशीनरी और राजस्थान के सीएम साहब खुद इस एक सीट के प्रचार में लगे हुए हैं, जबकि उनको पूरा एक स्टेट केटर करना था। क्या आप अग्री करते हैं इससे? तो मैं भी ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा इस सीट में ऐसा क्या विशेष बात है कि प्राइम मिनिस्टर भी यहीं आ रहे हैं, अमित शाह जी भी रोड शो यहीं कर रहे हैं, उनके तमाम सीनियर लीडर्स भी यहीं आ रहे हैं? मैं भी ये पूछ सकता हूँ। हाशिए पर जो खड़े होते हैं उनमें हुनर होता है बेबाक सत्य कहने का। बेगूसराय में हमारी साथी स्वाति की मुलाकात हुई किन्नर समाज के लोगों से। उन्होंने अपनी बात कही और एक गीत सुनाया। उसी के साथ आज का लल्लन टॉप शो समाप्त करते हैं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, और सबसे ज्यादा ख्याल रखिए अपने देश का, जो आपको एक पहचान देता है। अपने देश के लोकतंत्र का ख्याल रखिए, वोट जरूर डालिए और सही को चुनिए, ताकि आगे आने वाला वक्त सही रहे। शुभ रात्रि। हर ले तो आए हो हमें सपनों की गांव में, ले तो आए हो हमें सपनों की गांव में, प्यार की छांव में मिठाए रखना। सजना 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 सजना, छोटा सा घर हो अपना, प्यारा सा घर हो, छोटा सा घर हो अपना, प्यारा सा घर हो, कोई किसी से पल भर ना अलग हो, कोई किसी से पल भर ना अलग हो, तुम्ही पे सुरू तुम्ही पे